नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। जो हमने पैरामीटर आज आपके लिए सिलेक्ट किए हैं वो है जीडीपी पर कैपिटा, उसकी क्या परफॉर्मेंस रही 1960 से लेके 2020 तक, पॉपुलेशन ग्रोथ, जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आज के सेशन में हम देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ दिस 1960 टू 2020 इन चार पैरामीटर्स पे इंडियन इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म किया। उससे पहले हम जानते हैं कि इस डाटा का सोर्स क्या है टू अंडरस्टैंड द ऑथेंटिसिटी। तो ये डाटा मैंने लिया है वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से, जो कि है data.worldbank.org/country/india। तो आप चाहें तो ये डाटा यहाँ इस वेबसाइट से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली लेट्स हैव अ बर्ड आई व्यू ऑन दिस ऑल फोर पैरामीटर्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो चार हमने 1960 से लेके 2020 तक का डाटा प्लॉट किया है, और ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से स्लोली स्लोली अपवर्ड मूव करती आई है। बट हम जो आज डाटा कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे वो 2006 से लेके 2020 तक का डाटा कंपेयर करेंगे, जो कि बेसिकली जिस दौरान दो मेन जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके दौरान ये सेशन रहा। जैसे कि 2013 तक कांग्रेस का सेशन था एंड 2014 से 20 तक अभी तक बीजेपी की रूलिंग है। तो हम देखेंगे इस दौरान इंडियन इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म किया। अगर हम 2006 से लेके 2013 तक का अगर हम देखें तो पर कैपिटा इनकम जो कि $1,015 पर पर्सन थी, पर कैपिटा थी, वह बढ़कर 1,415 पर कैपिटा हुई ड्यूरिंग कांग्रेस टेन्योर, जो कि ग्रोथ बनती है अप्रोक्सीमेटली हम कहें तो अप्रोक्सीमेटली 39% की इंक्रीज हुई पर कैपिटा इनकम में। और यही अगर हम बीजेपी टेन्योर के दौरान देखें, अगर हम 2020 को इग्नोर करते हैं, 2019 तक भी देखें तो 1973 वर्सेस 1460 तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 39% अगर हम बात करें तो दोनों टेन्योर के दौरान 39% की ग्रोथ हुई पर कैपिटा इनकम में, राइट। और अगर पॉपुलेशन ग्रोथ देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी मोर और लेस सेम ही रही। ऑन द राइट हैंड साइड वी कैन सी कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो कि 2006 में थी 1.1 बिलियन पॉपुलेशन थी, वो 2020 आते आते बढ़कर 1.38 बिलियन हो गई, राइट। सो अगर हम देखें कि लास्ट ओवर सिंस 1960 ये परफॉर्मेंस और ये पॉपुलेशन किस स्पीड से ग्रो हुई, तो वी कैन सी द चार्ट ओवर हियर कि ये एक स्टडी ग्रोथ है, इसमें कोई हम्प्स वगैरह नहीं है, तो ये एक स्टडी ग्रोथ है जो हुई है। चलिए अब हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम ग्रोथ अगर देखें तो ये भी मोर और लेस स्टडी रह रही है, जो कि 6-7% के आसपास रहती है, बट इसमें फ्लक्चुएशंस एंड हम्स बहुत ज्यादा हैं, जो कि इसमें आप देखेंगे 2008 में 1.6% तक की ग्रोथ भी गई एंड उसके बाद ये 2010 में 7% तक भी गई। और यही अगर बीजेपी टेन्योर की बात करें तो इस दौरान भी ये 6-7% के बीच में रही। ऑल्दो 2017 ऑनवर्ड्स हमने एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा है, 2020 में ये नेगेटिव ग्रोथ भी गई है, बट दैट इज ड्यू टू कोविड एंड अदर जो लॉकडाउन हुआ उन फैक्टर्स के कारण था। सो हम 2020 को इग्नोर करके चलेंगे फॉर द टाइम बीइंग। बट अगर हम ये नेगेटिव ग्रोथ की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी टेन्योर के दौरान 2020 में ही यह फर्स्ट टाइम नेगेटिव ग्रोथ गई थी। अगर हम 1960 से देखें तो यह पिछले बार भी बहुत सारे सालों में हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि अगर हम देखें कि कांग्रेस के टाइम में देखें तो यह 1965, 66, 71, 72, 74 एंड डिफरेंट ईयर्स में नेगेटिव ग्रोथ मिली थी। बट अगर बीजेपी टेन्योर की बात करें तो बीजेपी टेन्योर में 2020 में ही यह नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर हम जेपी जनता पार्टी की बात करें तो उस दौरान 1979 में यह नेगेटिव जीडीपी पर कैपिटा इनकम ग्रोथ देखने को मिली थी। चलिए अब हम लौटते हैं अपने डाटाबेस पे 2006 से 2020 के। इस दौरान अगर हम एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी मोर और लेस स्टडी ही रहा है, 5.4 से 5.3, 5.7 इसी दौरान रहा है, एक्सेप्ट 2020 जब ड्यू टू लॉकडाउन एंड अदर फैक्टर्स काफी इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमी एक तरह से क्लोज हो गई थी, कुछ टाइम के लिए हॉल्ट पे आ गई थी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था। अदरवाइज 1960 ऑनवर्ड्स ये मोर और लेस 5% के आसपास ही फ्लोट करता रहा है जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, राइट। सो इसमें अगर हम देखें तो ज्यादा अगर कंपेरिजन करें कांग्रेस और बीजेपी के टेनर्स का
इन फैक्टर्स पे अगर कंपैरिजन किया जाए तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, ज्यादा फ्लक्चुएशंस भी नहीं है, दोनों के टाइम में मोर और लेस सेम ही परफॉर्मेंस रही है इन पैरामीटर्स पे। जैसे कुछ लोग बात करते हैं कि अभी इंडिया पर कैपिटा इनकम में बहुत पीछे चला गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग करंट गवर्नमेंट के टाइम में ही ऐसा हुआ है। आपने जो फर्स्ट हमने चार्ट में देखा कि पर कैपिटा इनकम जो ग्रोथ आ रही थी 39% ही बीजेपी के टेन्योर में है और 39% ही कांग्रेस के टेन्योर में रही थी, अगर हम 2020 को इग्नोर करके चलें तो। राइट, एक बार दोबारा हम देख लेते हैं पूरा व्यू 1960 से लेकर 2020 तक हमारी परफॉर्मेंस ऑन दीज फोर पैरामीटर कैसी रही। तो यह ऐसी रही, मोर और लेस जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ में फ्लक्चुएशंस थी जो रही हैं, एक स्टडी ग्रोथ नहीं है। एंड एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग इज ऑन द जीडीपी पर कैपिटा साइड, पॉपुलेशन साइड इज अ स्टडी ग्रोथ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी मोर और लेस कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट ही रहा है, इसमें कोई ज्यादा बिग फ्लक्चुएशन हमें देखने को नहीं मिली एक्सेप्ट 2020 जो कि एक लॉकडाउन का पीरियड था। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट इंडियन इकोनॉमी ऑन दीज फोर पैरामीटर्स। होप यू लाइक माई सेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड अनदर पैरामीटर्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ।